एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी से प्रसाद जप गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। साल से मुगल सल्तनत इस सूर में बंदा सिंह बहादुर का कुछ न बिगाड़ सके। इसने दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की नाक के नीचे अपने गुरु के सपनों का पंजाब बसाया, जालिमों का नाश कर जुल्मों से मुक्त पहला खालसा राज स्थापित किया। लाहौर से फिर निकला मानवता के इतिहास का सबसे क्रूर जुलूस। बंदा सिंह को जलील करने के लिए उसे शाही पोशाक पहनाई गई और उसके 3 साल के मासूम बेटे को कैदी बना 740 सिंहों के साथ दिल्ली ले जाया गया। जाए लो निश्चय कर अपनी जीत कर।
इसी बुलंद हौसले की शान में हमारे महान देश का राष्ट्रगान लिखने वाले महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी, बंदी वीर। अवशेषे बंदा बहादुर मुगल देर हाथों बंदी। आखिर बंदा मुगल फौज के हाथ आ गया, शेर की तरह उसको पिंजरे में डाल दिल्ली लाया गया। हिंदुस्तान, ज्यादातर सिंहों को हमने पंजाब में ही ठिकाने लगा दिया है और बचे कुचों की अकल ठिकाने लगाने यहां दिल्ली ले आए हैं। जब हमारा मजहब कबूल करे उसे रिहा करो और जो ना करे उसे फौरन अलविदा करो। आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर कोई हमारा मजहब कबूल करता है उसको बख्श दिया जाएगा। ओ सिपाहियों, लाओ एक को। उजलात पहले मैं। उजलात पहले मुझे मुक्ति दे। उसको पकड़ो। हर सिख हो अपने ही मन तो। हर कैदी सिंह सबसे पहले शहीद होने के लिए उतावला था। रोज चढ़ते सूरज के साथ 100 सिंह कत्ल कर दिए जाते। 7 दिनों में 700 सिंह शहीदी पा गए। सात सौ सिखों को उनके साथियों के सामने ही कत्ल के लिए ले जाया गया जनाब, फिर भी उनका फैसला नहीं बदला। हर कत्ल के बाद हमारी उम्मीदें घटती गई और उनके इरादे मजबूत होते गए। 3 महीने कैद में सड़ने के बाद भी ना तो कोई सिंह और ना ही बंदा अपना मजहब छोड़ने को तैयार है। सर कलम कर दो। तुझे कैसे पता, वो तो सिंहों में होता ही नहीं। हाँ, जैसे बाबा फतेह सिंह ने भी नहीं था, उनसे सीख लिया कि धर्म के लिए अटल कैसे रहना है। चल, हुक्म हुआ तो अपने बच्चे का खुद कत्ल करेगा। सिंह औरतों और बच्चों पर कभी वार नहीं करते, इस हैवानियत के तुम महारथी हो। काजी ने बंदा सिंह के बेटे को जल्लादों के हवाले कर दिया। बंदा ने उसकी लाल दस्तार को चूमा और उसके कान में कहा, वाहे गुरु जी की फतेह। बेटे के चेहरे की तरफ देखा और निर्भय होने के लिए कहा। बेटे ने भी वाहे गुरु जी की फतेह गरज कर जवाब दिया, मैं निर्भय हूँ, उसने कहा। बेटा वाहे गुरु जी की फतेह उचारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सत श्री अकाल। बंदा सिंह, तेरी शांत आंखें मुझे डरा रही हैं, ये मेरे अंदर घुसती जा रही हैं। इन आंखों को फोड़, मैं तुझे अंधेरे में धकेल दूंगा, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। रुक क्यों गए? मेरी आंखों को तो फोड़ दोगे, लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी उन्हें कैसे फोड़ोगे? बंदा सिंह बहादुर के जिस्म को जंबूरों से नोचा गया, बोटी बोटी कर दिया गया। मुगलों की ये दरिंदगी भी बंदा सिंह को आखिरी सांस तक उसके उस खालसा पंथ से टस से मस नहीं कर सकी। जिसकी नींव खुद गुरु गोविंद सिंह ने सालों पहले आनंदपुर में रखी थी। आनंदपुर
जहाँ गुरु साहब के चारों साहबजादों के मधुर सुर फिजाओं में गूंजते और सारा वातावरण सुख स्नेह और शांति से भर जाता था। आनंदपुर साहब की रौनकों को किसी की नजर लग गई। धोखे से वजीर खान ने गुरु साहब से आनंदपुर का किला खाली करवा लिया और सरसा नदी पर आकर उनका सारा परिवार बिखर गया। 40 सिंहों और दो बड़े बेटों के साथ गुरु साहब ने चमकौर की गढ़ी में डेरा लगाया। 10 लाख की फौज लेकर वजीर खान ने हमला बोल दिया। दुश्मन के साथ लड़ते हुए पहले बाबा अजीत सिंह शहीद हुए, फिर बाबा जुझार सिंह ने गुरु पिता से आशीर्वाद ले जंग में वीरगति प्राप्त की। गंगू के लालच ने माता गुजरी जी और छोटे साहबजादों को वजीर खान के खूनी पंजों में सौंप दिया, जिसने काजी के साथ मिलकर छोटे साहबजादों को दीवार में जिंदा चिन्ने का फतवा जारी करवा दिया। दीवार ने बच्चों की बहादुरी को सलाम किया और उनके कदमों में गिर पड़े। वजीर खान के इशारे पर जल्लादों ने बच्चों के सिर कलम कर दिए। गुरु साहब ने इस तरह सरबंस वार के मानवता की खातिर अपना फर्ज निभाया। ۱۷۰۸ سرہند، 3 سال بیت گئے تھے جس جگہ پر چھوٹے صاحبزادوں کو دیوار میں چن کر شہید کیا گیا تھا۔ اس دیوار کو وزیر خان نے ٹوٹا ہوا اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ بھیانک درشیہ لوگوں کو اس کی دہشت کی یاد دلاتا رہے، اور اس کے وپریت لوگ وہاں آ کر صاحبزادوں کی سمرتی کو پرنام کرتے۔ کئیوں کو تو وہاں واہ گرو واہے گرو کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں، اور تو اور کوئی شردھالو ہر مہینے ان کی شہیدی کے دن وہاں جوت جلا جاتا، کون جلا جاتا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آج بھی اس مہینے کی وہی تاریخ ہے۔ وزیر خان کی دہشت کے سامنے وہ کون سا سر تھا جو جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ बेटी जल्दी कर। कमरुद्दीन, ये जोत किसने जलाई? पता नहीं जनाब, मैं तो नमाज पढ़ने गया था। ओए मोहतरमा, इधर आओ। क्यों कमरुद्दीन, ये औरत अभी अभी यहाँ आई थी? जनाब, बेशक बुढ़ापे में मेरी नजर कमजोर हो गई है, पर अच्छे बुरे की पहचान है, इसे मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। ये जोत तूने जलाई है? जोत तो साहिबजादे अपने बलिदान की हमारे दिलों में जगा गए हैं, जो हमेशा जलती रहेगी। ए लड़की, दरोगा साहब के सामने ऊंचा बोलती है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो बाकी हमदर्दों की तरह तुझे भी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। चल भाग यहाँ से। कमरुद्दीन। जी जनाब। लोगों को तो हम कैद कर लेंगे, पर उन आवाजों को कैसे कैद करेंगे जो इस दीवार से आती है? इसलिए इस लड़की के दिए को जलाने के थोड़ी देर बाद मैं दिए को यहाँ से उठा लेता हूँ। इस तरह से उसकी श्रद्धांजलि भी पूरी हो जाती है और सरकार के कानों तक बात भी नहीं जाती। औरों की मैं क्या कहूँ, जब मैं खुद कई बार यहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे वाहे गुरु की आवाजें सुनाई देती हैं। सुना जनाब? जनाब, ये सब अफवाहें हैं। कौन से वाहे गुरु की आवाज और कहां से आएगी? वैसे अब सिखों के पास बचा ही कौन है? गोविंद के बड़े बेटों को तो चमकौर की लड़ाई में मरवा दिया और छोटों को सरहंद में मार दिया। हिंदू और सिखों को आपने ऐसे भयानक तारे दिखाए कि सारे डर के मारे सहम कर घर में बैठ गए हैं।
और बादशाह की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने दरबार में दो सिख आली सिंह और माली सिंह को दीवान की पदवी दे दी है। तो बता दीजिए वो कौन सी परेशानी है जो आपको अपनी ही उंगलियों के पटाखे बजाने के लिए मजबूर कर रही है। गोविंद, सिखों का गुरु जो हमेशा मेरी मार से बचता रहा, मैंने उसके बच्चों तक को मरवा दिया, फिर भी उसने आकर मेरी चौखट पर सर नहीं झुकाया। मैं चाहे सारे सिखों को क्यों ना खत्म कर दूं, जब तक उनका गुरु जिंदा है मेरी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी। खान साहब, ये दोनों आपकी समस्या का हल करके दिखाएंगे। जिसका सर कलम हमारी तलवार ना कर सकी, क्या तुम उसका शिकार करोगे? जी हाँ, हमारे वार से मरेगा गोविंद और सदमे से मरेगी पूरी सिख कौम। तुम्हारे जवाब ने तो मेरी उम्मीदों के बंद दरवाजे खोल दिए। सुचानंद, इनकी झोलियां सौगातों से भर दो। जी। बादशाह गुरु को दक्षिण की तरफ ले गया है, उत्तर की तरफ ना आ पाए, और अगर कहीं जाए तो सीधा ऊपर जाए। जाओ। गुरु की हत्या? खान साहब, अपनी सोच के बारे में दोबारा सोच लेना, कोई बुरी बात नहीं। उस गुरु की मौत में ही मेरी जिंदगी है, इससे पहले कोई और मुसीबत मेरी तरफ आए। महंत जी, कोई अपने डेरे पर आया, आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी। बकरे काटे और अपने प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रख दिया और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैठ गया। कौन है जिसने इतनी हिम्मत की? बाबा जी, सबक सिखाओ उसे। वहां बैठे ही पलंग समेत धरती पर उल्टा कर मारो, फिर जाकर पूछना। नहीं, अपनी शक्तियों को भेज कर पलंग समेत उसको यहीं बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने। अंधकार से निकल सच्चाई की रोशनी में आ। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। माधुदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी जमाने से शांति नहीं मिलती, चित्त को शांत रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधुदास, आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बेअसर साबित हुए। तेरे डेरे पहुंचने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। तू हमारे से, तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है, उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है, अब मैं यहां ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बाहर जब मुगल सैकड़ों निर्दोष बेकसूर इंसानों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? राजौरी के रहने वाले हो तुम, तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा
इन नदियों को पार कर गोदावरी के पास आडेरा लगाया है। मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे, उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंतर्यामी, आप कौन है? गुरु साहब ने कहा, वो ही जिनको तुम जानते हो। ऐसे नहीं माधो, मन की आंखें खोल। आप तो साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी हो। हाँ माधो दास, जैसे ही गुरु साहब को दादू द्वारे के महंत जैतराम से तेरे बारे में पता चला, सीधा तेरे डेरे चले आए। मेरा सौभाग्य। गुरु साहब ने कहा, अपना भाग्य और जगह। तुम कर्मवीर हो, जिस कर्म के लिए इस धरती पे आए हो उसकी कमान संभालो। तुम्हारा स्वभाव तो शिकारियों जैसा है। जुल्म के सताए हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तुम्हारे तीर से मरते हुए हिरनी के वो दो बच्चे जो पैदा होते ही तुम्हारे सामने दम तोड़ गए, जिनको तुम तड़प तड़प कर मरता हुआ देख न सके और शिकार खेलना बंद कर दिया। तीर भी तोड़े थे और कमान भी फेंके थे। उस पीड़ा की तड़प ने तुम्हें लक्ष्मण देव से माधव दास बना दिया। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा, हाँ हाँ, तुम कौन? जी, मैं आपका बंदा। वो कौन से पापी हैं जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं? कैसे सजा देगा उन लोगों को? तंत्र मंत्र से उनके पलंग उल्टे करके? तंत्र मंत्र वाले माधव दास की मौत तो आपके दर्शन करते ही हो गई थी बाजा वाले साईया। अब आपके सामने आपका बंदा है। अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंह बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पे उठे ना और किसी पापी को बख्शे ना। गुरु साहब ने कहा, बस तुम्हें बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा। अब तुम्हें हम गरीबों मजलूमों का सहाई खालसा बनाएंगे। नांदेड़ में गुरुजी ने अपना डेरा गोदावरी नदी के किनारे लगाया। वहां का वातावरण बड़ा ही मनोहारी था। हिरणों का झुंड चुपचाप आ कोने में बैठ जाता और मोर भी नाचना भूल शांत होकर बैठ जाते। इस तरह के वातावरण में आकर माधव दास और उसके साथी धन्य हो गए। युद्ध के मैदान में घोड़े हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं, इसलिए तुम्हारे और घोड़े के दरमियान सही तालमेल होना बहुत जरूरी है। थोड़ा वक्त लगेगा। माधव दास, सबसे पहले ये सीखना है कि अपना बचाव कैसे किया जाए। चलो अब तुम वार करो। ना, ऐसा करके तुम एक वार को रोक रहे हो और दूसरे वार को न्योता दे रहे हो। जब तलवार तुम्हारे हाथ में हो तो नजर दुश्मन पर होनी चाहिए। लाल रंग सिर्फ तुम्हारी तलवार की शान बढ़ाए, दुश्मन की तलवार हमेशा बेरौनक रहे। जंग हौसले से जीती जाती है पर असूलों के लिए लड़ी जाती है। पंजाब के हालात बेहद चिंताजनक है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों का साथ देने की। जंग के असूलों को जान लेना अत्यंत जरूरी है। इतने सालों बाद भी, वाह, थोड़े अभ्यास की जरूरत है। गुरु साहब ने समझाया, लोगों को अगर जालिमों से बचाना है तो अपने आप को बचा के रखो। ना समझी से आगे बढ़कर दुश्मन के हथियारों की भेंट चढ़ना बेवकूफी है। गुरु साहब ने बंदा सिंह को समझाया, अगर आपकी मौत औरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकती तो शहीद होने का कोई फायदा नहीं।
मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। ये जगह गुरु साहब ने कमाल की चुनी है। कमाल जगह का नहीं है, गुरु साहब का है। जहां भी जाकर बैठ जाते हैं वहीं एक नया आनंदपुर बसा देते हैं। सच कहती हूँ, अगर माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर और भाई मणि सिंह जी यहाँ नांदेड़ आ जाते तो उनका भी यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। मैंने सुना है कि गुरु साहब की देखरेख में आनंदपुर में जो रौनकें थीं, वैसी रौनक की मिसाल कहीं नहीं है। मैं गुरु साहब के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। आप तो उनके साथ काफी सालों से है ना, बताओ ना। माधुदास, दरबार सजते ही अनगिनत संगतें आती जाती, हर तरफ खुशी का माहौल था। इन खुशियों को और भी चार चांद पता है कब लगते? कब भाई साहब? जब गुरुजी के चारों साहिबजादों को इलाके में हंसते खेलते देख लोगों के चेहरे खिल जाते। रमणीक ने नजारे इस शहर दे गगन ते जग दे ने चार तारे। हसे आनंदपुर तो खुल के चिन्ना लुटाए, तारे आकाश तो धरती सजोण आए। जथेदार जोरावर सिंह और जथेदार फतेह सिंह, दरबार में औरंगजेब और वजीर खान को पेश करो। कोई औरंगजेब बनने के लिए तैयारी नहीं हो रहा। हाँ वीर जी, कोई भी वजीर खान नहीं बन रहा। खबरदार, इस वक्त हम किसी के वीर जी नहीं, राजा हैं राजा, और वो भी बहुत गुस्से वाले राजा। फतेह सिंह, राजा तो बड़े गुस्से वाला है। कोई बात नहीं, कल हमारी बारी है। दोषियों को पेश करो, नहीं तो तुम दोनों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। रुको रुको खालसा जी, रुको। रुको ना सिंह जी, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। आप वजीर खान बन जाओ। ओ क्या कह रहे हो साहिबजादे, मैं क्यों बनूं औरंगजेब? ओ ना जी ना, वजीर खान तो हमारा दुश्मन है, मैं दुश्मन कभी ना बनूं। वो तो इतना नीच है कि अगर कहीं हमें मिल जाए तो हम तो उसे वहीं पकड़ लें। सिंह जी, सिंह जी, वजीर खान बन जाओ ना, बन जाओ ना। गंगू, ओ गंगू, यहाँ आओ, यहाँ आओ ना। अच्छा ठीक है, ऐसा करो गंगू, थोड़ी देर के लिए औरंगजेब बन जाओ। नहीं नहीं साहबजादे, गुरु माता जी ने मुझे जल्दी बुलाया है। आपने अपने गांव खेड़ी जाना है ना? अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम गुरु माता जी को कहकर आपको 8 दिनों की छुट्टी दिला देंगे। अगर ये बात है तो फिर ठीक है। वजीर खान बन जाओ। वजीर खान ही औरंगजेब? नहीं वजीर खान, मैंने इसको पहले देखा था। पहले आप दोनों भाई फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हूँ या औरंगजेब। उसका फैसला हम करेंगे, हमें पहले औरंगजेब की जरूरत है। हाँ तो महाराज, औरंगजेब हाजिर है। औरंगजेब, आपको हम अपने गुरु दादाजी पर किए जुल्म की सजा देना चाहते हैं, पर हम निहत्थे पर वार नहीं करते, इसलिए आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर आप जीत गए तो सजा माफ, और अगर हम जीत गए तो आपको हमारा मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। महाराज, मेरी औकात नहीं है जीतने की, मैं बिना युद्ध किए ही आपका मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। बहुत देर हो गई है, गुरु माता जी मुझ पर गुस्सा होंगे, मैं चलता हूँ। महाराज, औरंगजेब तो भाग गया। देख लेना, एक दिन सभी मुगल ऐसे ही हमारा मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। महाराज, बहुत मेहनत की है आपने, औरंगजेब तो भाग गया, अब आपको भूख लगी होगी, चलकर कुछ खा लीजिए। नहीं,
अभी हमें बहुत काम है। सोच लो महाराज, मक्खन के साथ गरम गरम चूरमा तैयार है, क्या ख्याल है? मक्खन चूरमा, मक्खन चूरमा दरबार बर्खास्त किया जाता है। दादी माता। पुत्र मक्खन तो निकल आए, तभी दूंगी ना। पहले बड़ा खाएगा तभी तो बड़ा होगा। क्यों, छोटे पहले खाके बड़े नहीं होते? जो बड़ा ना छोटा उसने तो भूखा ही रह जाना है। प्रेमो इधर आ, मधानी को भी पता है तुम्हारी भूख का। आज तो पहले से भी कहीं ज्यादा मक्खन निकला है, बच्चों को मक्खन दे दे। मक्खन से ही पेट भर लोगे? ये चूरमा कौन खाएगा? चूरमा मुझे दीजिए गुरु माता, सच में आज तो बड़ी भूख लगी। गंगू चूरमा नहीं लाया? ये रहा माता जी। गंगू तू 8 दिन की छुट्टी के लालच में औरंगजेब बनने को तैयार हो गया, अगर तुझे बड़ा लालच दिया जाए तो भला तू क्या कुछ करने को तैयार हो जाएगा? नहीं जी, मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था। खेल में भी रिश्वत लेना ठीक नहीं है। हाँ जी, जी, जी। पुत्र तुम सुबह से कहाँ गए थे? गुरु माता जी, पहाड़ी राजाओं और मुगल फौज की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही, गुरु पिता के साथ बैठे सलाह मशवरा कर रहे थे। वीर जी, पर हमारे सिखों की फौज मुगलों की फौज से कम क्यों है? शेर गिनती में कम होते हैं पर राज पूरे जंगल में करते हैं। जोरावर सिंह, शेर की तरह आ जा। हाँ हाँ वीर जी, ये देखो। वीर जी, मुझे भी खिलाओ। ओहो फतेह सिंह, तू एक तरफ हट जा, तू अभी छोटा है। देखो वीर जी, उतना खुद नहीं जितनी बड़ी डंडी उठाई फिरता है। पहले हमारे जितना तो हो जा, फिर आके हमारे साथ ऐसे खेल खेलना। फतेह सिंह जी, अब जाओ यहाँ से। ओहो इतना जोश, खुद ही तो कहते हो वीर जी, पूरे जोश के साथ। हाँ, चल ध्यान से खेल। जितना हो गया हूँ, अब नहीं आप मुझे रोक सकते। चाहे पास खड़े होकर देख लो, चलो अब खिलाओ मुझे। जिद ना कर, तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर क्या हुआ, खेलते हुए चोटें तो लगती ही हैं। ये खेल नहीं, ये गतका है जो युद्ध के मैदान में काम आता है। फिर तो मैं जरूर सीखूंगा, मैं भी युद्ध पे जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे, नहीं तो मैं अजीत वीर जी को बताऊंगा। चल फतेह सिंह, अब पीछे हट जा, वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ, चल ध्यान से खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी। खेलो ना। फतेह सिंह, क्या हो गया तुझे? मुझे अजीत वीर जी ने कहा है कि अगर मेरी कोई बात ना माने या मुझे कोई तंग करे, मैं उनको जाके बताऊं। वीर जी खेलो ना। हाँ हाँ, तो खेल। आज किसी को डांट पड़ेगी। ओहो, आओ तशरीफ लाओ। चलो। बाबा फतेह सिंह के सर सजी दस्तारे देख गुरु साहब ने निहंगों की प्रथा शुरू की थी। फतेह सिंह छोटे और सबके लाडले थे, इसीलिए सिख संगत निहंगों को भी गुरु साहब की लाडली फौज कहकर बुलाती है। आनंदपुर के धोखे, सिरसा के कहर, गंगू के लालच और चमकौर के घमासान युद्ध के बाद मुगलों के कड़े पहरे को भेदते हुए गुरु साहब माछीवाड़े से सलोनी गांव होते गांव जटपुरे से गुजर रहे थे कि रास्ते में उनको राय कोट वाले चौधरी राय कल्ला मिले। सच्चे पाशा जी, मैं तो आपके पालकी में दर्शन करके धन्य हो गया, और कोई सेवा है तो हुक्म कीजिए। गुरु साहब ने कहा, किसी भरोसे वाले समझदार गुरुमुख प्यारे को सरहन भेजो, हम माता जी और छोटे साहबजादों का हाल जानना चाहते हैं। सरहन की तरफ से आ रही हवाओं में बेचैनी सी है। गुरु पाशा जी, मेरे नौकर नूरा माही की बहन का निकाह सरहन में हुआ है, इसको हम अभी भेज देते हैं।
और किसी को शक भी नहीं होगा। रसिया, रसिया, देख मैं तेरा भाई रायकोट से तुझे मिलने आया हूं। मैंने तो सोचा था कि मेरी रजिया बहन मेरे साथ लड़ेगी कि मैं उसके पास इतने दिनों बाद क्यों आया, पर तू तो मेरे साथ जरा भी बात नहीं कर रही। क्या हुआ, इतनी नाराज है अपने भाई से? रजिया, नूरा, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ, इसे असल में हुआ क्या है? गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों को जब दीवार में चुनवाया गया था, रसिया उस जगह से थोड़ी ही दूर खड़ी थी। लकी वीरे, टोडरमाल ने वजीर खान से जगह खरीदी, अब वो उसी जगह पर माता और बच्चों का संस्कार कर रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है लकी? बड़ी हिम्मत दिखाई, सल्तनत की जड़ उखड़ गई, अब इसके दिन उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। कौम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने वाले के माथे पर जरा भी शिकन नहीं। हाँ, जब कभी भी हम उनके सामने माता जी या साहबजादों की बात करते हैं तो तेरा पाना मिठा लागे कहकर बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। आज के दीवान की समाप्ति होने से पहले अगर संगत में किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। गुरुजी, अगर कोई पाप करता है तो क्या उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, गुरु साहब ने समझाया, पापों का हिसाब यहां ही देकर जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुराकर कहा, तो आखिर तुम पहुंच ही गए, बड़ी दूर से आए लगते हो। जी गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। गुरु साहब ने कहा, वाहे गुरु तुम्हारी मुरादें पूरी करें। गुरुजी, पापी और अपराधी में क्या अंतर होता है? पापी वो होता है जो पाप करने के बारे में सोचे, अपराधी वो होता है जो उस सोचे हुए पाप को अंजाम तक ले जाए। क्या पापी का चेहरा पढ़ा जा सकता है? पापी का पाप उसके चेहरे पर साफ शब्दों में लिखा होता है, जिसको हम सिर्फ मन की आंखों से ही पढ़ सकते हैं। ये तो फिर आपके जैसे अंतर्यामी ही पढ़ सकते हैं, हम तो किसी पर भी धोखा खा सकते हैं। गुरु साहब ने कहा, धोखे से ही तो पांचवें गुरु साहब को लाहौर बुलाया गया था, क्या उनको पता नहीं था? पता था, पर रब को प्यार करने वाले रब की रजा में ही रहना पसंद करते हैं। गुरुजी, इन तुर्कों के पापों का हिसाब कौन करेगा? क्या उनको भी कभी उनके किए सारे जुल्मों की सजा मिलेगी? गुरु साहब ने समझाया, जैसा अनाज धरती में बीजोगे वही उगेगा, उसी को काटना पड़ेगा। काटने की ऋतु कब आएगी ये निरंकार जानता है। गुरुजी, इतनी भी गर्मी नहीं, फिर इन दोनों के माथे पर पसीना, इन दोनों की आंखों में मैंने अजीब सी बेचैनी देखी है,
बाकी आप जग जाता हो। गुरु साहब ने समझाया, खालसा जी हर एक प्राणी अपने आप में पूरा ब्रह्मांड है, किसी के ब्रह्मांड में झांक कर देखोगे तो उसके गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने ब्रह्मांडों की खोज करें, इसी खोज में ही हमारे मन को सुख और शांति प्राप्त होगी। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। क्या सोच रहा है? किसी की पीठ पीछे वार करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। कमाल है, पहली बार मिलकर गुरु का इतना असर हो गया तेरे पे। देखा नहीं वो कैसे मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि हम क्या करने आए हैं यहाँ। मैं तो उनकी मुस्कुराहट देखकर ही डर गया। गुरु साहब की आंखों में कितनी सच्चाई है, देखा तूने? मैं अपने शिकार की आंखों में उसे मारने के बाद देखता हूँ, ये देखने के लिए कि वो मर गया या नहीं। मैं तो कल सुबह ही वापस जा रहा हूँ। कोई रूहानी गुरु के नए चेले, वो जिसका नाम वजीर खान है ना, उसके अंदर शैतान की रूह है। उसने तेरे इसी गुरु के बच्चों को कितनी बेरहमी से मारा था, याद है ना? अगर यहाँ से खाली हाथ गए ना, तो वो तेरे साथ तेरे सारे परिवार को उससे भी ज्यादा बेरहमी से मारेगा। अब रब का नाम ले और शांत होकर सो जा। दो चार दिनों में मैं गुरु का काम तमाम कर दूंगा, तू बाहर पहरा देना बस। शुक्रिया। ये पंजाब का नक्शा है माधुदास, इस नक्शे को ध्यान से देखो। ये अनंतपुर साहिब, ये सरहंद और ये चमकौर, इस नक्शे पर से जालिमों का नामो निशान मिटा देना है। जिस वक्त माधोदास ने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरबाणी में लीन होना भी सीख लिया, गुरु साहब ने माधोदास को अमृत छकाकर खालसा पंथ में शामिल कर दिया। सतगुरु हुए दयालता सरदापुरी है, सतगुरु हुए निरंकार ने अपनी माया से ये एक ऐसी तस्वीर बनाई। एक तरफ भाई दया सिंह जी, जिनको गुरु साहब जी ने पांच प्यारों के साथ पहली बार अमृत छकाया था, और दूसरी तरफ बंदा सिंह बहादुर, जिसको आखिरी बार गुरु साहब ने अपनी हुजूरी में पांच प्यारों के द्वारा अमृत की दीक्षा दी। जब मैं पहली बार सिंह सजा था ना बंदा सिंह, तब मेरे भी यही हाव भाव थे। भाई दया सिंह जी, ये पगड़ी तो ऐसे है जैसे सर पर ताज है। मैं इस ताज को पंजाब की शान बना दूंगा। आपने ये ताज पहली बार कहाँ पहना था? अनंतपुर। जब भी आप अनंतपुर कहते हो, मुझे परिवार का बिछड़ना याद आ जाता है। सरसा नदी पर बिछड़ने के बाद माता सुंदरी जी की गुरु साहब जी के साथ मुलाकात कहाँ हुई थी? रायकोट से गांव दीने कांगड़ होते हुए गुरु साहब ने तलवंडी गांव पर जाकर डेरा लगाया। धीरे धीरे संगतें जुड़ने लगी। और वजीर खान? बादशाह ने सरहन बैठी हुई फौजों को दिल्ली बुला लिया और वजीर खान शांत होकर बैठ गया। बंदा सिंह, देखते देखते तलवंडी में ऐसी रौनक हो गई कि पांव रखने की जगह नहीं थी। माता सुंदरी जी उस वक्त दिल्ली में थी, ये खबर उन तक पहुंची। आओ सुखा सिंह, कैसे आए हो? सब ठीक तो है ना? गुरु साहब साबो की तलवंडी पहुंच गए हैं, फिर से भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, दीवान सज रहे हैं, संगतें जुड़ रही हैं। ओए भले आदमी, ये तो खुशी की खबर है। तुझे देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। तू ठहर यहाँ, मैं अभी जाकर ये खुशी की खबर माता सुंदरी जी को। रुको भाई महेश सिंह जी, ये खुशी मेरी घबराहट का कारण नहीं है। अच्छा? चारों साहिब सादे और माता जी। वो क्या हुआ साहिब जादो और माता जी को?
बस एक दो को छोड़ के आपके साहबजादों के सारे कपड़े तैयार हैं। माता जी, वाहेगुरु ने आपकी अरदास परवान कर ली है। सुखा सिंह बड़ी अच्छी खबर लेके आया है। गुरु साहब जी इस वक्त तलवंडी में है, फिर से संगत जुड़ने लगी है, वहाँ दीवान भी सजते हैं। 13 लाख बार शुक्र है मेरे दादा, तूने मेरे दिल की मुराद पूरी की। हम सब अभी इसी वक्त साबो की तलवंडी के लिए तैयारी करेंगे। भाई सुखा सिंह जी, आपके मुंह में घी शक्कर, समझ नहीं आ रही मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने हमें जीवित कर दिया। सुखा सिंह मुझे ये बता रहा था कि मेरे चारों लाल के बारे है ना सुखा सिंह? वो चारों? हाँ, हाँ, बोलो। वो चारों वहीं पे? वो चारों वहाँ है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी करो। दिल करता है अभी उन चारों को कस के सीने से लगा लूं। ऐसा लगता है जैसे अपनी औलाद का स्पर्श महसूस कर रही हूँ। अपने बेटों को मिलने की बड़ी चाहत है, जल्दी तलवंडी पहुँचते हैं। बड़े चाह से चले, चलो माता साहिब कौर। बता अब सुखा सिंह, मैं तेरी बातें माता जी को कैसे बताऊं? हे सच्चे पाशाह, हमारे में तो हिम्मत नहीं माता जी के सीधे और चाहत भरे दिल को ठेस पहुंचाने की। गुरु जी हमें माफ कर देना, ये काम अब आपको खुद ही करना पड़ेगा। बड़े जा से चली थी माँ के बेटों के दीदार होंगे, जब गले से लगेंगे बेटे बेर और सामन दातार होंगे। की सोच रहा नहीं वाले। पहुंचते ही चूरमा बनवा देना, मेरे लाल बहुत खुश होकर खाते हैं। अभी मेरे सामने किसी सेवादार से कह दो। अभी कहता हूँ माता जी। फकीर सिंह, बहुत सा चूरमा बनवा कर गुरु साहब के पास पहुंच जाना। साहब ने कहा, उठ भी जाओ अब, आने जाने मिलने बिछड़ने के साथ ही निरंकार की दुनिया चलती है। भाग में लिखा जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। संजोग विजोग दो एकार चलावे, लेके आवे पाग। बच्ची और माता जी कहीं नजर नहीं आ रहे? निरंकार की रजा में खड़े गुरु साहब ने कहा, पर मैं तो माता को भी देख रहा हूँ और बच्चों को भी। कहाँ है? गुरु साहब ने कहा, मेरे सामने माता माता जी भी हैं और ये बच्चे भी हैं। जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हूँ। गुरु साहब ने कहा, मैंने भी बेगानों की तरफ इशारा नहीं किया। जी मैं माता जी और चारों साहिबजादों के बारे में पूछ रही हूँ। गुरु साहब ने कहा,
इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत गई हजार। मर गई माँ की कहर टह गया है, जो काल जे जो कोई रुक भर के ले गया है। माँ वार वार वेखे करके हजार जेरा, पुत्रा बगैर दिसदा सारा जहां दया सिंह से कहा, बच्चों की माता से कहो उनको अपने बच्चों की शहादत पर आंसू बहाने का पूरा हक है, लेकिन अपने चारों पुत्रों के साथ साथ उन हजारों की कुर्बानियों को भी शामिल कर लें जिन्होंने हमारे एक इशारे पर दुश्मन की तलवारों के नीचे अपने सर रख दिए। वक्त गवाह है, जब जब भी चमकौर की गढ़ी का दरवाजा खुला मेरे 5 सिंह दुश्मन का सामना करते हुए शहीद हो गए। फिर क्या हुआ अगर उनमें मेरे बेटे भी थे? क्या मैं अपने बेटों का शोक मनाऊं और बाकी सबको भूल जाऊं? हरगिज नहीं। ये बेइंसाफी मैंने न कभी अपने खालसे के साथ की है और ना ही कभी करूंगा। माता जी, चूरमा तैयार है। मैंने तो चारों के लिए चूरमा बनवाया था, आपने तो मेरी झोली इन सबसे भर दी। इन सभी में बांट दो। ममता ते मेहर होई वेखे अजब नजारे, बैठे हजार होके गोविंद दे लाल चारे। पुत्राच खाल से विच ना फर्क है ना दूरी, भरता रहे ने आपे आपे ही खाने चूरी। हजार साहबजादे, ए चार साहबजादे। भाई दया सिंह जी, अब तो मैं भी सिंह सच गया हूँ। गुरु साहब मुझे भी आप सबके साथ सरहंद ले जाएंगे और वहां जाकर हमें हिसाब लेना होगा साहिबजादों के खून के हर कतरे का। जल्दी पंजाब चलो, ये वजीर खान चुप बैठने वालों में से नहीं है। गुरु को मारने के लिए दो पेशेवर कातिल भेज दिए? मुझे तो ये फिक्र है कि बच्चों पर जुल्म करके और पीठ पीछे हमला करने की आदत डालकर कहीं आप सूरमाओं की तरह युद्ध में लड़ना ही ना भूल जाओ। क्या होगा अगर कभी गुरु के साथ आपका जंग में मुकाबला हो गया तो? जंग की नौबत तो तब आएगी जब वो गुरु जिंदा बचेगा। बड़ी बेगम आपको समझाते इस दुनिया से रुखसत हो गई। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, ये जुल्म ना करो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जहरीले सांप शिकार पर निकल चुके हैं, बस अब डसने की देर है। आजा। जी गुरु साहब, देख के आते हैं। तंबू में ही रखा था ना? हाँ हाँ, तू चल तो सही।
तू बाहर रुकना, मैं बस अभी काम तमाम करके आया। चल 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 आराम से। इतनी रात गए, इन घोड़ों को क्या हुआ? चल देख के आते हैं। मुझे वजीर खान ने गुरु साहब का जख्म काफी गहरा था। वैद्य ने उसको सीकर खून का बहना तो बंद कर दिया, पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया। गोदावरी के किनारे बादशाह बहादुर शाह के डेरे से सिंहों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। उसने तसल्ली दी कि जख्म तो ठीक हो जाएगा, पर गुरु साहब को कम से कम 6 महीने आराम करना पड़ेगा। ध्यान रखना होगा, खतरा बढ़ सकता है। सिंह, मैंने कहा था ना आपसे, वो शांत नहीं बैठेगा। जालिम वजीर खान। पंजाब से संदेश आया था कि गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुंच गए हैं। लोग घरों की छतों पे खड़े होकर सच्चे पातशाह की राह देख रहे हैं। गुरु साहब की छाती का जख्म उनको घोड़े की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंहों की मौजूदगी में अपने पंज प्यारों की सहमति से अपने घोड़े के शहसवार को नियुक्त करने का फैसला सुनाया। पंजाब को जाने वाले जत्थे की अगुवाई बंदा सिंह बहादुर करेगा। जो हुक्म गुरु साहब जी। मैं इसको अपनी कुछ सौगातें भेंट करना चाहता हूं। ये हैं हमारे तरकश के 5 तीर, वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज, ये है केसरी निशान, खालसे की पहचान। अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ होंगे। गुरु साहब ने फिर भाई विनोद सिंह, कहन सिंह, विजय सिंह, बाज सिंह और भाई राम सिंह को आगे बुलाया। ये हैं पंज प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा, इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे। जो हुक्म गुरु साहब जी। फिर गुरु साहब ने पंज प्यारों से कहा, आप पंज प्यारों को बंदा सिंह का ख्याल रखना है,
जब कभी ये खालसा पंथ की नीति से भटके, इसको सही रास्ते का मार्गदर्शन करवाना है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमने 25 सिंह और तैयार किए हैं जो आपके साथ जाएंगे। मुगलों की बुरी नजर से बचते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहाँ से रवाना होना है। 5-5 सिंहों का जत्था बनाकर निकलना है। लंबा रास्ता लेना पड़े कोई परवाह नहीं, ले लेना। गांव बुढ़िया पहला पड़ाव होगा। बंदा सिंह, घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी। तुम सिंहों के जत्थे के सरपरस्त। लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना, पीछे कभी नहीं हटना। किसी को कुछ कहना सुनना है? कल सवेरे जत्था पंजाब को रवाना होगा। तू तो एकदम पठान लग रहा है। हाँ, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा। मुगलों की बुरी नजर से बचकर जो निकलना है। गुरु साहब मुस्कुराए और कहा, हमें पता था तुम आओगे। कोई सवाल? जी, सिंह तो और भी बहुत हैं जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे हैं, फिर आपने इस बंदे को ही क्यों? गुरु साहब ने कहा, तुम्हारे सवालों में ईमानदारी है बंदा सिंह। हमें काफी समय से किसी योद्धा की तलाश थी, इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे। गुरुजी, इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़केगा जब तक आप आकर कमान नहीं संभालते। गुरु साहब ने कहा, अगर हम ना आ सके। आपने ही तो सद्बुद्धि दी है। होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है, उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। गुरु साहब ने पूछा, क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी? जी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंहों की अगुवाई कर रहा हूं। सिंहों के असली सेनापति तो आप ही हो गुरुजी। ये मैं जानता हूं कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंह के हमेशा संग रहते हो। गुरु साहब ने खुश होकर कहा, मेरा बंदा सिंह बहादुर, तुम वाकई में हर तरह से तैयार हो। आओ, तुम्हारे जाने से पहले अरदास कर लें। बंदा गुरु कृपा निकला, तेरा बंदा हूँ कह निकला। मन अमन का बादल बरसेगा, बिजली पर जुल्म पे कड़केगा। बंधेगा हो, बंधेगा खंडा खड़केगा, बंधेगा खंडा खड़केगा, खंडा खड़केगा, बंधेगा खंडा खड़केगा। साहब का जख्म काफी गहरा था, पर वैद्य का कहना था कि उनके शरीर में धीरे धीरे जहर फैल रहा है। सिंह ये सुनकर बहुत घबराए हुए थे। गुरु साहब ने उनको बुलाकर समझाया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, रब की रजा में ही सबका भला है। गुरु साहब ने फिर दया सिंह जी से कहा, ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो, हम एक रस्म अदा करना चाहते हैं। उन्होंने फिर ऐलान किया, खालसा जी, आज रस्मी तौर पर हम एक घोषणा कर रहे हैं।
फैसला तो बैसाखी के दिन ही हमने कर लिया था, जब हमने पंच प्यारों को अमृत छकाया था। आज हमने पांच पैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे चढ़ाकर माथा टेक दिया है। आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरु होंगे। अब से कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। हमारी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता गुरु पंथ खालसा होगा। आज्ञा पई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमारी तरफ से सारी संगत फतेह परवान करे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिंह जी, हमले की शुरुआत हम नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हमला किया तो फिर खत्म हम करेंगे। ओए, रुको, कहां जा रहे हो? अपने घर। तलाशी लो इनकी। हम तलाशी नहीं देंगे। अच्छा, बड़ा टेढ़ा सुर है तेरा। देरी तो जब भी कोई नेक काम के लिए जा रहा हो उसे टोकते नहीं। इस तरह की मुसीबतें तो कदम कदम पर टकराएंगी। आगे क्या सोचा? जहां तू मेरे वल है ता क्या मोहछंदा, तुद सब किच मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरुगद्दी सौंपने के बाद जिस शाम गुरु साहब ने संगत को दोबारा इकट्ठा किया, उस दिन नांदेड़ में सुबह बड़े अनहोने ढंग से हुई थी। पंछी चहचहाए नहीं, मोर हिरन मस्ती करने की बजाय उदास आंखों से गुरु साहब के डेरे की तरफ देखते रहे। संगत भी घबराई हुई थी। गुरु साहब ने संगत को समझाते हुए कहा, खालसा जी, हमारी आपसे ये आखिरी मुलाकात है। हमारा जख्म हमें ईश्वर का संदेश दे रहा है। कुछ देर बाद हम अपनी अंतिम सांस लेंगे। रब के वास्ते गुरु जी, ऐसा मत कहिए। सच्चे पातशाह हमें छोड़कर जा रहे हो, ये उचित नहीं है। गुरु साहब ने समझाया, जैसे निरंकार के दिए हुए श्वास पूरे होते हैं, मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है। ना पहली पातशाहियां दुनिया छोड़कर गई, ना हम जाएंगे। हाँ, अकाल पुरख के हुक्म से ये पांच तत्वों का शरीर छोड़कर हम सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। फिर जो हमें सच्चे दिल से याद करेगा, हम उसके पास हाजिर हो जाया करेंगे। आप सबने आज से परचा शब्दा पूजा अकाल पुरख की, दीदार खालसेदा सिद्धांते पैरा देना। वक्त आ गया है। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमारी तरफ से सभी संगत को फतेह परवान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
हाँ हाँ, आप तीनों के लिए बहुत जगह है, आ जाओ अंदर आ जाओ। ओए, तूने सिखों के बारे में सुना है? तू सिखों की बात छोड़, पहले ये सुन। मैंने सुना गोदावरी किनारे बैठा बहादुर शाह सेना के साथ दिल्ली को लौट गया। दक्कन में फैली बगावत अब शांत हो गई है। तू सिखों के बारे में क्या कह रहा था? अब तो लगता है नादेड़ बैठे सिंह भी पंजाब को लौट जाएंगे। क्यों? बुरी खबर है, उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह इस दुनिया से चले गए। क्या हुआ था, बीमार थे? नहीं, सुना छाती पर कोई जख्म था जिसका जहर सारे शरीर में फैल गया था। अगर हम ना आ सके। आपने ही तो सद्बुद्धि दी है, होता वही है जो अकाल पुरख चाहता है, उसकी मर्जी को मैं आपका हुक्म समझ लूंगा। इतनी खुशी तो मुझे खुदा कभी दिल्ली के तख्त पे बिठा दे तो भी नहीं मिलेगी जितनी आज गोविंद की मौत की खबर सुन के मिली है। ये सिखों का अंत है, जश्न हो। यूं लगता है जैसे सिर पर आसमान ही नहीं रहा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई जाती है, इसलिए गुरु साहब हम हजारों को पगड़ियां पहनाकर चले गए हैं। अब उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। ये आप क्या कह रहे हैं, गुरु साहब को कुछ नहीं हुआ, उनको अपने सिंहों की बहुत चिंता है। देखो, सोचते सोचते कहीं गोदावरी की तरफ निकल गए होंगे। भाई दया सिंह जी, जाइए ढूंढिए उनको, जाइए। जैसे पिछली बार आप माछीवाड़े के जंगल में गए थे, गुरु साहब मिल गए थे, इस बार भी मिल जाएंगे। जाइए भाई दया सिंह जी, गुरु पिता को ढूंढ के लाइए, हम उनके बिना नहीं जी सकते। किसी को तो पूछिए, गोदावरी नदी के किनारे किसी को तो पूछिए। माता जी, आप ही पूछिए, किसी से तो पूछिए। पूछूंगी, सबसे पूछूंगी, एक बार माता गुजरी जी मिल जाए उनसे जरूर पूछूंगी, जिन्होंने ऐसे अनोखे लाल को जन्म दिया, जरूर पूछूंगी। बोल माँ गुजरी है, बोल माए भोली है, दस तेनू पता से के ना तेरे पुत जे होना नहीं जवान ते होनी नहीं हो तेरे जई मां दस तेनू पता सीख साहब ने कहा था हम सब लोग नंदेड़ से निकलकर पहली बार यहाँ बुढ़िया में इकट्ठा होंगे। पता नहीं था यहाँ बैठकर दुख साझा करेंगे। दस तेनू पता सी के ना दस तेनू पता सी के ना दस तेनू पता सी के ना।
सदा डोलना ते बोलना मना जान दे मैं सब कुछ हाँ, मैनू पता सी पांच प्यारों ने मिलकर फैसला किया है कि अब पीछे नहीं हटना। नम आंखों से मंजिल धुंधली नजर आती है, अपनी आंखों से आंसू पोंछो और दुश्मन की आंखों से नींद उड़ा दो। किस तरह उठ क्यों गए? ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, आजादी की किताब का पहला पन्ना है। जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा। इनको पंजाब के हर इलाके में पहुंचा दो। पंजाब दूर नहीं, चिट्ठियां मिलते ही लोग भारी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए आ जाएंगे। पर हम तो खुद तंगी में हैं, उन सबका ख्याल कैसे रखेंगे? जब कोई मुश्किल आए और जहां हमारा जोर ना चले, बस कलगीधर पिता के आगे अरदास करो। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। तंगी तोशी भी दूर हो गई और दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा। इन लुभाने सिखों के दसपन से हमारी मुश्किलें दूर हो गई। ये क्यों भाग रहा है बंदा सिंह जी? कुछ लोगों का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। किसी गांव के लोग लगते हैं। ओ, ओ, ये तो डाकू है, चलो भागो। इनको क्या हुआ? मुझे मत मारो, हम अपने घरों को खुला छोड़कर आए हैं, सब सामान वहीं पे है, जो चाहिए जाकर लूट लो, मुझे मत मारो। हम लुटेरे नहीं हैं। देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ हमारा गांव लूट लो, जाओ। कौन लूट रहा है तुम्हें? खूंखार डाकू रणधीर सिंह, आप उसी के आदमी हो ना, है ना? नहीं नहीं, हम डाकू नहीं है, डरो मत, हम तुम्हें इन डाकुओं से बचाएंगे। वो बागर गांव पे हमला बोलने वाला है। घबराओ मत विनोद सिंह जी, ये पंजाब में जालिमों के खिलाफ हमारा पहला कदम और बागर में डाकू रणधीर सिंह का आखिरी। भेजा बंदा गुरु ने तपस्वी त्यागी है, मनों में जैसे आशा नहीं जागी है। उस्ताद गांव खाली है। जाओ घरों को लूटो और जिस घर से कुछ नहीं मिलता उसे आग लगा दो। रणधीर सिंह, तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई? मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घोंसला छोड़ जाते हैं। अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गांव भी बस जाएंगे। हम
जिसके ऊपर मुगलों का हाथ हो उस रंधीसियों के साथ टक्कर। तेरी इतनी जरूरत, रंधीसियों को रोकने वाला कौन है तू? मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। उस गुरु का आशीर्वाद लेकर निकला बंदा सिंह बहादुर मेरा नाम है। कभी निहत्थे पर वार नहीं करते। ये ले। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें डाकुओं से मुक्ति दिलाई। इतने खुश मत हो, असली डाकू अभी मरा नहीं, असली डाकू मुगल हैं। अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो आप सबको अपने लिए लड़ना पड़ेगा। आया है मसीहा, आया है, लोगों को दर्द बताया है। ये गुरु जाता जाता पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे गले डाल गया। रास्ते में आ रहा हमारा खजाना बंदा सिंह ने लूट लिया है। बंदा सिंह ने जुल्म सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करा दिया। बस इसका ही इंतजार था। उसकी शौर्य गाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंहासन की नींव हिला दी। क्यों आली सिंह, माली सिंह, सिखों का एक और गुरु पैदा हो गया? दिल्ली के आसपास पंजाब के छोटे मोटे कस्बों को जीतकर वो क्या समझता है सरहन पे हाथ डालेगा? ये सभी सिखों को हमारे सरहन में ही आकर क्यों मरना होता है? अब तुम ऐसा करो, उस तक पैगाम पहुंचाओ, कहो कि सुबह सरहन से टक्कर लेके दिखाए, देखना फिर उस बंदे का बहादुरपन कैसे निकलता है। तुम्हारे गुरु को तो मैंने दक्षिण की तरफ भेजा, वो वहाँ खत्म हो गया। इस गुरु के बंदे की हड्डियां का तो मैं सुरमा बनाकर सरहन के लोगों की आंखों में डालूंगा। बस यही पे चुप हो जा वजीर खान। हम अपने गुरुजी की और उनके भेजे हुए जत्थेदार की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतनी हिम्मत? हाँ, याद करो इसी कचहरी में खड़े होकर छोटे साहबजादे ने क्या कहा था जब जनाब ने पूछा था अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे? मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। वही सब हो रहा है, उनको तो शहीद कर दिया पर उनके कहे बोल तो अटल है ना। गुरु के सिंह फिर से इकट्ठे हो गए हैं और जल्द ही बंदा सिंह बहादुर के दाएं हाथ का अंगूठा तेरा गला दबा देगा। खामोश गुस्ताखो, इन दोनों को कोठरी में बंद करो
और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए। भयानक मौत तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान, अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता। बंदा बहादुर। कल कैथल से कुछ लोग मिलने के लिए खालसा जी, जो सिंह हमने पंजाब चिट्ठियां देकर भेजे थे वो कुछ खबर संदेशा लेकर आए हैं। हाँ हाँ, भेजो उन्हें। सिंह जी, मैं समाने जाकर आया हूँ जी। समाना को अगर बाहर से देखें तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर अंदर जाएं तो हालात कुछ और ही हैं। मेरा कर्जा चुकाए बगैर समाने से भागने की कोशिश, पूछते हो गए पर आपका कर्जा नहीं उतरा। हम थक गए आपका कर्जा उतार उतार कर। मेरे बच्चे पर रहम करो, मुझे मुक्त कर दो। दे दो इसको मुक्ति, जान से मार कर उल्टा टांग दो। ये समाना है समाना, यहाँ से कोई भी मेरा कर्जा चुकाए बगैर जा नहीं सकता। क्या कर्जा था उस गरीब पर? कर्जा तो कुछ है ही नहीं। पहले तो उस गरीब से काम करवाते हैं, फिर उसको सिर्फ एक वक्त की रोटी देते हैं, फिर जब वो भूखा मरता रोटी के लिए और पैसे मांगता है तो उनको उनके ही हक के पैसे कर्जे के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वो सारी उम्र उनके नीचे दबे रहे। ये लोग पुश्तों दर पुश्तों कर्जे की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं। अगर किसी के मरे अपनों को उनके धर्म अनुसार विदाई न मिले तो सोचिए क्या हालत होती होगी। वही हालात सडौरा के लोगों के। कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक हम अपने मरों को दफनाते रहेंगे? फौजदार साहब, मुझे मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दो। तेरी इतनी जुर्रत जो तूने सडौरा का कानून तोड़ा? इसकी और इसके बाप की लाश को यहीं दफन कर दो। जो कपूरी में मैं देख कर आया हूं उसको बताते हुए मेरा सर शर्म से झुक जाता है। ऐसा क्या होता है वहां? डोली किसी भी जाति या किसी भी धर्म की हो, कपूरी में उसका रास्ता कादरुद्दीन की हवेली से होते हुए जाना तय है। अब ले जा सकते हो अपनी बेटी को इसके पति के पास। कादरुद्दीन की हवानियत के डर से कपूरी के लोगों को इस रस्म की जैसे आदत सी हो गई हो। बाकी कैथल भिवानी बस। पंजाब तो नरक की भट्टी में गर्क होकर रह गया है। माधोदास, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे, उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। के साथ इस समय यहां है। हमारा मकसद सरहंद है, पर सरहंद पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक का सफर तय करना होगा। समाने की फौज की गिनती तो काफी है। हाँ, उम्मीद है हमारी भेजी चिट्ठियों के जरिए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे। और समाने तक पहुंचने का खर्चा? कैथल और सोनीपत के अमीरों, चौधरियों और फौजदारों ने अपना और गरीबों से लूटा हुआ पैसा सरकारी खजाने में रखा हुआ है। मेरी नजर उस पर है। आप जी, पांच प्यारों की क्या राय है? हल्ला बोलो। बंदा सिंह ने फिर सोनीपत और कैथल के खजाने पर अपनी मोहर लगाई। बैरागी सिंह और भाई फतेह सिंह भी अपना जत्था लेकर बंदा सिंह के साथ आ मिले। मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लायक ही नहीं समझता, और तुमने सिखों के हमले की अफवाहें सुनकर समाने के सभी अमीरों को इकट्ठा कर लिया। बंदा सिंह की ताकत दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया। बंदा सिंह ने
जमाने पर हमला बोल दिया। जब सिंहों के जयकारे आम किसानों ने सुने तो उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। हथियारों की जगह जिसके हाथ जो भी आया वो लेकर अमीरों के पीछे पड़ गया और हल्ला बोल दिया। देखते देखते जमाना तबाह हो गया। बंदा सिंह, हीरे, जवाहरात, जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ति दे दो, मुझे दे दो इसको मुक्ति और चौराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो। छोटे साहबजादों को दीवार में चिन्हने वाले दो जल्लाद शाशल बेग और पाशल बेग भी जमाने के ही रहने वाले थे। बंदा आ गया, बंदा आ गया। हमें माफ कर दो, ये सब कुछ वजीर खान ने किया था, हमारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम्हारा गुनाह भी उस दरिंदे से कम नहीं था, सिर्फ तुमने ही हाँ की, सारे सरहंद ने ना कर दी थी। अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चिनकर दम घोटकर मारना चुना। मैं बताता हूं तुमको सांस घुटने से कैसे होती है मौत। इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ। ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंजाब नहीं भेजा था। सच्चे बादशाह, आज कहीं फिर मेरे हाथों हिरणी के बच्चों का खून तो नहीं हो गया? नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया। गुरु साहब ने कहा, अंतर्यामी बादशाह, मेरे दिल की हालत आपके सिवाय और कौन जान सकता है, मुझे बख्श दो। गुरु साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता के गुस्से का ज्वालामुखी फूटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गए हैं। पर गुरुजी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था। गुरु साहब ने कहा, इस नफरत के तूफान के आगे अगर तुम खड़े होते तो इस तूफान ने तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था। तुम्हारे जैसी गलती हर इंसान करता है, जब वो ये सोचता है कि यहाँ जो कुछ भी उसके साथ होता है उसका कारण भी वो खुद है, जबकि यहाँ जो कुछ भी होता है निरंकार के हुक्म से होता है। सतगुरु होए दयाल, इतना दुख ना जानिए। सतगुरु होए दयाल, रंग मानिए। बंदा ने अमीरों द्वारा गरीबों से की गई लूट को वापस गरीबों में बांट दिया। ऐसा हार तो मेरी दादी के पास था। हाँ, ये तो वही है। हाँ, ये तो वही है। ये देखो काके के बापू, बंदा सिंह की रहमतों ने आपके बच्चे को कर्जे से मुक्त करवा दिया। आप किसानों के पास कितनी कितनी जमीन है? 2 बीघे। हाँ, 4 बीघे। मैं 5 बीघे, 2 बीघे, 4 बीघे। जमीन हमारी नहीं है जी, हम तो जोतते हैं। आज के बाद वो जमीन आपकी है। ये सच बोल रहे, ये क्या हो गया? भाई फतेह सिंह जी, मालिक वो जो जमीन को जोतता है, अब से आप समाने के फौजदार हो। जो जो जितनी जमीन जोतता है उस जमीन को उसके नाम कर दो। आज के बाद जमींदारी खत्म। हुजूर, हुजूर, समाना तबाह हो गया। खान साहब, खबर मिली है कि भारी तादाद में लोग माझे मालवे के इलाके से इकट्ठे होकर बंदा बहादुर के जत्थे में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। सरहंद के इस तरफ से सिंहों का जत्था तो क्या, उनका कोई बच्चा भी नहीं जा पाएगा। जो बंदे का नाम ले उसकी जुबान खींच लो, जो कदम उसकी तरफ बढ़े उन कदमों के टुकड़े कर दो। हुक्म की तामील हो।
बन्ना सिंह वजीर खान की हर चाल से वाकिफ था। उसने फिर अपना रुख शत्रु की तरफ किया, जहां माझे और दुआबे के सिंहों को नवाब मलेरकोटला ने रोका हुआ था। बन्ना सिंह का विजय रथ शत्रु तक थमा नहीं, उसने गुरम, केसर, शाहबाद और मुस्तफाबाद पर भी जबरदस्त जीत हासिल की। फिर कपूरी की ईंट से ईंट बजा दी। गुस्से में भरे लोग कपूरी के अय्याश फौजदार कादर उल दीन की लाश पर थूकते और पत्थर मारते थे। बन्ना सिंह ने फिर संधौरा पे चढ़ाई की। संधौरा के फौजदार उस्मान खान ने वीर बुद्धू शाह को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसने भंगानी के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी की मदद की थी। उस्मान खान मारा गया, संधौरा आजाद हो गया। लोगों ने अपने प्यारों की देह कब्रों से निकाल उनका दाह संस्कार कर दशमेश पिता का शुक्रिया अदा किया। वजीर खां के दिन तो अब गिनती के ही रह गए हैं, अब तो उस बेचारे ने गिनती भी शुरू कर दी होगी। सुना आपने? हम दुआबे और माझे के सिंगों को तो बदले के उस दिन का इंतजार है जब हमारे हाथ में नंगी तलवारें होंगी और सामने वजीर खां का सर। साहिबजादों की शहीदी का बदला लेकर ही हमको चैन मिलेगा। मलेर कोटले के नवाब को अच्छा सबक सिखाया। साथियों, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन मैं एक बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि मेरे गुरु साहब ने मुझे अपने साहिबजादों की शहादत का बदला लेने के लिए नहीं भेजा। हमारे गुरु साहब ईर्षा, द्वेष, वैर, भेदभाव से ऊपर थे। उन्होंने बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया। न्याय की लड़ाई में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर के कातिल औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का साथ दिया, और ना ही उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ है। आप सब में भी हर मजहब के सिपाही हैं। उन्होंने मुझे पंजाब को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त करके खुशहाल पंजाब बनाने के लिए भेजा है। हमारे मकसद की राह में हमें कोई भी अत्याचारी मिलेगा, हम उसको सजा देंगे, चाहे वो वजीर खान हो या कोई और। मैं जानता हूं वजीर खान इंसान नहीं, दरिंदा है। इस दरिंदे के लिए हमारे पंजाब में कोई जगह नहीं। सजा उसको जरूर मिलेगी। कैसे भूल जाऊं उस ठंडे बुर्ज को। बेगम, यहां खड़े होकर उधर क्या देखती रहती हो? फिक्र ना करो, जो सडोरा में हुआ मलेरकोटला के नवाब के साथ सतलुज पे हुआ, उस तरह का कुछ भी सरहंद में नहीं होगा। जीत हमारी होगी। मुगलों के सैकड़ों सालों के इतिहास में इतनी बड़ी जंग न किसी मुगल ने हारी है और ना मैं हारूंगा। और वो बन्ना सिंह, उसको तो मैं ऐसी मौत दूंगा जिसे देख मौत भी मुझसे खौफ खाएगी। बुर्ज से आते सोनेपन के ठंडे अंधेरे को क्यों नहीं समझते? गुरु साहब का आशीर्वाद ले हम नंदेड़ से 31 निकले थे, उन्हीं की मेहर से आज गिनती हजारों में है। मौसम खुलते ही सरहन पर हमला करेंगे, तब तक हम इन्हें युद्ध कला के हर क्षेत्र में माहिर कर देंगे। माओ ने बेटे, बहनों ने भाई और सुहागनों ने सुहाग हंस हंस कर युद्ध के लिए भेजे होंगे। कलगियां वाले पादशाह, तेरे बंदे में इन बंदों के विश्वास को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तो मर कर भी इनकी कुर्बानी का मूल्य नहीं चुका सकता। उल्टे होर जमाने आए ता मैं पेद सजन दे पाए, कान लगड़ नू मारने लगे ते चिड़िया जर्रे बंदे ने आम लोगों में जोश भरकर बंदूकें ऐसी वाला बनाई कि आज उसके एक इशारे पर लोग जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया बाबा बुले शाह जी।
जैसे आपकी कलम लोगों को पाखंडियों से तोड़ती है, वैसे ही बंदा सिंह की सोच जालिमों के खिलाफ आम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। भूखे प्यासे गरीब लोगों की पीड़ा को तो एक नेक दिल इंसान ही अपने अंदर महसूस कर सकता है। मैं तो अब कुछ कहते रुक गए साईं जी। कहूंगा, मुंह आई बात ना रहती है। अब रब की रजा में ना रहने वाले जालों का बुरा वक्त आ गया है। मुंह आई बात न रेंदी है, मुंह आई बात न रेंदी है, झूठा खाते कुछ बच दाए, सच आखिया पापड़ मच दाए, जी दो हाँ गल्ला तो जच दाए, जच जच के जीवा के दिए। तेरा भतीजा क्या खबर लेकर आया है? अरे केता मल बता दो। हुजूर, मैं बंदा सिंह की फौज में घुल मिल गया हूँ। बंदा सिंह जंग के लिए बहुत तैयारी कर रहा है हुजूर। जितनी मर्जी तैयारी कर ले, दिल्ली के तख्त पे बादशाह बदलते हैं, पर सरहंद के तख्त पर वजीर खान था, है और हमेशा रहेगा। तो किधर किधर जाना, अपना दस ठिकाना जिस ठाणे दा तू मन करे, तेरे नाल ना जा सी ठाणा, जुल्म करे ते लोग सतावे, कसब फड़िया लुट साहिब। आपने जंग जीतने के बाद बंदा सिंह की सजा के बारे में कुछ सोचा है? मैं उसके 40 टुकड़े करूंगा, सर को सरहंद के किले पर टांगकर लोगों के लिए नुमाइश लगवाऊंगा। पर उस सर का खास ख्याल रखना हुजूर, ये अपने नौवें गुरु का चांदनी चौक से सर उठा कर ले गए थे। ये सरहंद है, दिल्ली नहीं। बहादुर गाजी हो, आप अपना कट के चढ़ाई दा कहो किस थी, कहो किस थी, कहो किस थी, आप छुपाई दा कहो किस थी। जंग का मैदान चप्पड़ चिड़ी है। उस दिन बनूर, मनीमाजरा और खैर के किलों से वजीर खान का कोई भी जरूरी सामान उस तक ना पहुंचे। बंदा सिंह, तलवारें देख, तोपे देख, देख मेरी फौज की तादाद देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं उन सिंहों की फौज के चिथड़े हवा में उड़ते देख रहा हूँ। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए ये तोपे ही काफी हैं। कुछ तो वहीं खत्म हो जाएंगे, बाकी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। खेल खत्म। 15,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार सिपाही, दर्जनों हाथी, तीरंदाज, खूंखार, 5,000 गाजी और बहुत सारी तोपे, खबर पक्की है। हमारे स्वागत के लिए अच्छी तैयारी की है वजीर खान ने। बंदा सिंह जी, हम तोपों का मुकाबला कैसे करेंगे? बस तोपों की मार का पता चल जाए कि कहां से कहां तक है। बंदा सिंह जी, गांव के जो नौजवान हमारी फौज में शामिल होने आ रहे थे, वजीर खान ने उनको मरवा कर उन्हीं के गांव के चौराहों पर लटकवा दिए, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत न कर सके। तुझे ये खबर कहां से मिली? मुझे ये खबर अपने साथ नए जुड़े सिपाहियों के खेमे से मिली है। मुझे बता, वजीर खान की फैलाई इस दहशत के बारे में सुनकर तुझे कैसा लगा? जी मेरा तो खून खौल रहा है, पर सिंह जी मैं अपने साथ जुड़े नए लोगों की बात कर रहा हूँ। घबराओ मत, वजीर खान की फैलाई ये दहशत हमारे सिंहों के खून को उबाला देगी। बस इस खून को ठंडा मत होने देना।
जंग से ठीक पहले जालिमों ने ऐसी हरकत डर फैलाने के लिए की है। गुरु साहब, सरहन पर फतेह हासिल करने के लिए क्या ये उचित समय है? खालसा जी, सोची सोचना हो गई, जे सोची लखवार। आप तो गुरु पिताजी को अपना सेनापति मानते हो, फिर भी सोच में पड़ गए। खालसा जी, हमले का उचित समय तब है जब आप तैयार हो। और जब आप तैयार हो, हर सिंह तैयार है। गौर से सोचो खालसा जी, ये कायराना हरकत उसकी घबराहट है। अंदर से वो आपसे डर गया है। सिंह जी आगे बढ़ो। हाँ, हम आपके साथ हैं। खालसा जी, सरहन से एक आदमी और एक औरत आपको मिलने आए हैं। वो पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। कहते हैं जंग शुरू होने से पहले आपसे मिलना जरूरी है। हाँ जी, बताओ। जी, मैं नूरा हूँ। गुरु साहब जी के कहने पे मैं सरहंद गया था। हाँ, भाई दया सिंह ने तुम्हारे बारे में बताया था। ये मेरी बहन रजिया, जिसने छोटे साहबजादों की दीवार में होती शहीदी अपनी आंखों से देखी है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये है उस दीवार की ईंट, 5 साल से मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी। ये आपके लिए है, जंग में अपने साथ रखिएगा। मेरा विश्वास है आप वजीर खान को वो सजा दे सकेंगे जिसका वो हकदार है। हम आपके साथ हैं। बस बहन जी, रोना नहीं। गुरु साहब का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने आपको मेरे पास भेजा। आज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि उस दिन और उससे पहले सरहंद में क्या क्या हुआ था। सच्चे बादशाह, आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं। लेकिन जंग में जाने से पहले जो हैवानियत की आंखों देखी कहानी इस बहन से सुनी है, उसको सुनकर बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो, उस वक्त आप मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। बंदा सिंह, ये कोई सडोरा या समाणा नहीं, ये सरहंद है। सरहंद वजीर खान का सरहंद। वजीर खान, ना ही मैं तेरा कोई फौजदार हूँ, ना ही कोई पहाड़ी राजा। सिंह हूँ सिंह, गुरु का सिंह। ओए सिंगा, क्यों मौत को दावत देता है? अपने सिपाहियों के साथ आकर मेरे सामने हथियार डाल दे। उन 2 मासूम बच्चों का सर नहीं झुका सका और तू गुरु के इन सिंहों को गुलाम बनाने के सपने देख रहा है? ओए, घुटने टेक दे।
मैं तुम सब की जान बख्श दूंगा। तू घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत। सालिम, मैं तेरी जान नहीं बख्शूंगा। तेरी ये मुट्ठी भर फौज शाम तक मेरे कब्जे में होगी। तू आगे तो बढ़। इधर मेरी तोपों को देख। ओए इधर मेरे सिंगों को देख। एक एक आग का गोला है। बंदा सिंह, आखिरी मौका है तेरे पास। वजीर खान, आखिरी ख्वाहिश है तो बता। तू कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा। दुनिया की सबसे अव्वल कौम के सुरमाओं, दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुश्तें कोख में ही खत्म हो जाए। खालसा जी, काल बनकर टूट पड़ो इन दुश्मनों पर। तुम फौज अकाल की हो। हम सिंह गरज कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे। गर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीढ़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज की जंग का सेनापति कौन? ते शिवा शुभ कर्मन ते डरू अरसो जब निश्चय कर अपनी निश्चय कर अपनी निश्चय कर अपनी। नौ सीखिए। टूट पड़ा। रुक जाओ, इसके आगे तोपों की मार है। तेजी से आगे बढ़ो इससे पहले कि दूसरी तोपों का हमला हो जाए। जनाब बुरी खबर है, चप्पर चिड़ी आने वाले हमारे बनूर खरड़ मणिमाजरा के किलों के हर रास्ते पर सिख दीवार बनकर खड़े हैं, इसलिए कोई असला कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी। मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी। उसकी फौज में शामिल मेरे लोग अब बाजी पलट देंगे। सुचानंद, बंदा सिंह जी, मुगलों की तोपें भारी पड़ रही हैं। हमारे नए जुड़े सिपाही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। सिंह जी, बाकी बची फौजों को कहो खंडा खड़काने का वक्त आ गया है। चलो
की है तूने निहत्ते को तलवार देकर? मैं होता तो तुझे चीर के रख देता। निहत्थे पे करवा आ कर। मंदे कमी नानका, जब कद मंदा होए। देखा, मजलूमों पर अत्याचार करने वाला हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा। अब तू ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे जान से क्यों नहीं मारा? इधर देख, ये उस दीवार की ईंट है जिस दीवार में खड़े करके तूने मेरे गुरु के बच्चे शहीद किए थे। ये ईंट 5 साल पुरानी है। बाबा फतेह सिंह की उम्र भी उस वक्त 5 साल की थी। इस ईंट से मैं 9 जगह से तेरे शरीर को खोलूंगा, क्योंकि बाबा सुरावर सिंह की उम्र उस वक्त 9 साल की थी। अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हो जा कातिल। वजीर खान, इस फतेह सिंह से भी आज तू हारेगा। जिंदा है, सरहंद चलाओ। काजी साहब, काजी साहब, काजी साहब, सर खोलिए। सुचानंद, क्या खबर है? हम लड़ाई हार गए हैं, वजीर खान मारा गया। बाल बच्चों को लेकर दिल्ली भागो? ये तो सुचानंद है। सुचानंद, कहाँ भागेगा तू? तेरी मौत तय है सुचानंद, सुचानंद। सुचानंद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की सजा मंजूर है, पर झुकना कबूल नहीं। ऐसी नीच का कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। वो सबला की रहने का बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। कर दीजिए बंदा सिंह जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। याद कर, इसी जगह पर खड़े होकर तूने मेरे गुरु साहब के बारे में क्या कहा था? सुना आपने? सुना आपने? सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। ये लीजिए, इसी जबान से कहा था ना, काट दीजिए इसे, मुझे मारिए मत। और अब याद कर,
तुझे बाबा जोरावर सिंह ने क्या जवाब दिया था? सुच्चानंद, जुबान को लगाम दे। मजलूमा देव दोस्त ने नेकी उनकी पहचान है। शीश झुका कर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। लीजिए, मैंने अपना शीश झुका दिया अपना शीश गुरु साहब को झुका दिया, आपके सामने भी झुका दिया। शीश अब इसी तरह झुका रहेगा, बस मेरी जान। सर ऊपर कर पाखंडी, अपनी जुबान से बोल कर बता, फिर बाबा फतेह सिंह ने तुझे क्या कहा था? शुक्र कर हम तुम्हारे कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की, अब तक तुम्हारा सर कंधों से गिर चुका होना था। माफ कर दीजिए मुझे ठंडे बोझ में उम्र भर के लिए कैद कर दीजिए, बस मारिए मत। तो शुक्रिया अदा कर बाबा फतेह सिंह का, जिन्होंने तेरी मौत का आसान सा फरमान उसी दिन जारी कर दिया था। उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। को अपनी हिरासत में ले लिया। ये जहां जाना चाहते हैं इन्हें उसी जगह पर हिफाजत और इज्जत के साथ छोड़कर आओ। गुरु साहब की मेहर है, उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दीवार में चिपकाया था।
आज की इस जंग के सेनापति आप खुद थे और ये जीत भी आपकी है। बोले सोनिहाल। बंदा सिंह बहादुर ने ना केवल पहला खालसा राज स्थापित किया बल्कि अपने गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलाए जिन पे गुरुओं को श्रद्धांजलि अंकित थी। उन सिक्कों को नानक शाही यानी गुरु नानक जी की मोहरें कहा जाता था। उन सिक्कों पे अंकित था सबके दाता सतगुरु नानक जी की असीम कृपा से और शहंशाहों के शहंशाह सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की तेग की फतेह से ये सिक्के आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों जगत के लिए जारी हुए हैं। बंदा ने लोहगढ़ किले को अपनी सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र बनाया और जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब को अनंतपुर के युद्ध में धोखा दिया था उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। बंदा का राज पंजाब में लाहौर के बाहरी हिस्से से लेकर दिल्ली के करीब सोनीपत तक फैला हुआ था। भाई फतेह सिंह जिन्होंने वजीर खान का सर कलम किया वो समाना पे हुए हमले से पहले अपना जत्था ले बंदा सिंह से आ मिले थे। वो जिस गांव के रहने वाले थे उसे आज गांव चक फतेह सिंह वाला के नाम से जाना जाता है। उनके पूर्वज सिखों के चौथे गुरुजी से करीब से जुड़े हुए थे। फतेह सिंह की 12वीं पीढ़ी आज भी उसी गांव में रहती है। बंदा सिंह का विवाह चंबा के राजा उदय सिंह की पुत्री सुशील कौर से हुआ था जिन्होंने पुत्र अजय को जन्म दिया। दूसरा विवाह साहेब कौर जी से हुआ जो गुरदास नंगल से बंदा सिंह की गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ नहीं जा सकी क्योंकि वो उस वक्त गर्भवती थी। बाद में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया जिनकी 9वीं पीढ़ी आज कटरा से 18 किलोमीटर दूर रियासी गांव में और रोहतक में रहती है। मुगल लोग और किला जीतने के बाद भूखे भेड़ियों की तरह बंदा सिंह को खोज रहे थे। तब उसने रोपड़ जलंधर राजमार्ग पर रायल माजरा गांव की गुफाओं में शरण ली थी। भूल भुलैया जैसी ये ऐतिहासिक गुफाएं पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली थीं। इनकी ऊंचाई सिर्फ एक घोड़े के गुजरने लायक थी इसलिए छिपने का उत्तम स्थान थी। ये गुफाएं आज भी मौजूद हैं, संख्या पहले से कम है। बादशाह फारूक शियार के हुक्म पर मुगलों ने बंदा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गुरदास नंगल को 8 महीने तक घेरे रखा। बंदा सिंह ने फिर पत्नी सुशील को बेटे अजय और 200 से भी ज्यादा सिखों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। परिवार के साथ बच निकलने का मौका होने के बावजूद उसने अपने गुरु की इस सीख पर डटे रहना चुना कि मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। खौफ फैलाने के लिए बंदा सिंह के शरीर के टुकड़े पूरी दिल्ली में बिखेरे गए। उनकी पत्नी सुशील कौर के भाई ने कुछ टुकड़ों को इकट्ठा कर उनका दाह संस्कार जम्मू में किया। बंदा सिंह की अस्थियां आज भी रियासी में डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मठ में सुरक्षित है। बंदा की उपलब्धियों ने सिखों की नई पीढ़ी को आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया जिससे वो अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब दे पाए और महाराजा रणजीत सिंह भी विशाल सिख साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब हुए। बंदा की वीर गाथा आज भी लोगों को नया इतिहास रचने को प्रेरित करती है। जिस जगह पर बंदा सिंह बहादुर और उसके 3 साल के बेटे अजय को मुगलों ने शहीद किया उसे आज गुरुद्वारा शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान कुतुब मीनार से 1.5 किलोमीटर दूर मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिस जगह गुरु गोविंद सिंह जी का डेरा था उसे आज तख्त सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहब के नाम से जाना जाता है। ये स्थान सिखों के 5 तख्तों में से एक है। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर सन 1832 और 1837 के बीच एक गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त प्रचलित प्राचीन प्रथा और रिवाज यहाँ आज भी बदस्तूर जारी है। चमकौर की लड़ाई के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को अहमदनगर एक पत्र जफरनामा भेजा जिसमें उन्होंने बतौर इंसान उसकी कमियों बतौर शासक उसकी जातियों
और गुरुजी से उसकी उसके लोगों की वादा खिलाफी पर धिक्कारा था, और चेतावनी देते हुए वो खालसा संकल्प याद दिलाया कि जब तक तुम्हारा शैतान राज खत्म नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। उनका जफरनामा पढ़ औरंगजेब विचलित हो गया। वो गुरु साहब से मिलना चाहता था, पर उससे पहले ही वो चल बसा। छप्पड़छिड़ी के महायुद्ध में बाबा बंदा सिंह बहादुर की वजीर खान पर हुई विजय की याद में उस जगह पर एक भव्य स्मारक बनाया गया है। ये स्थान चंडीगढ़ से कुछ मील दूर है।